टीपीएन टीपीएन हाँ टीपीएन के लिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है ना, उसके लिए अपन सेंट्रल लगाते हैं। तो ये एग्जाम में ऐसे पिक आ सकती है, पहचान कीजिए कि ये कौन सी पिक है, क्या पिक है। तो आपको सिंपल बताना है कि इट इज द सेंट्रल लाइन, ये क्या है सेंट्रल लाइन, कौन से एरिया में लगी हुई है, नेक एरिया में, नेक के राइट या लेफ्ट। तो पिक के अंदर आपको देखने को मिल रही है ये नेक के राइट साइड में लगी होती है, ठीक है ना, और राइट उसको बोलेंगे राइट सेंट्रल लाइन। यहां पर भी दो वेन होती है आपके, जाती है और एक ऐसे जाती है हर्ट से, ठीक है ना। तो ये वाली उसको बोलते हैं अपन ना इंटरनल जुगुलर वेन, पूरा बताऊंगा आगे सब आएगा, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं। ये दो होती है वैसे जुगुलर भी, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में भी यूज करते हैं लेकिन बहुत कम, रेयर चांस, एक्सटर्नल में बहुत कम यूज करेंगे, मेनली अपन में करते हैं। तो इंटरनल ऊपर तक जाती है ब्रेन में, उसको सॉरी ब्रेन से ब्लड लेके आती है, उसको बोलते हैं इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये जो पीक दिख रही है ये आपके इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर सेंटर लाइन की पीक है, अंडरस्टैंड। यहां पर बेटा उसको छोड़ दीजिए, प्रेसिडेंट आरएनसी का जो भी है बता दो वापस, मैं आपको आरएनसी का प्रेसिडेंट के शर्मा है, आरएनसी का रजिस्ट्रार बेटा पुराना है, यस पुराना है ये, आरएनसी का प्रेसिडेंट के शर्मा है, आरएनसी का रजिस्ट्रार महेश कुमार, और ये चेंज होते रहते हैं, एग्जाम में नहीं आते। तो उसको टॉपिक आप छोड़ दीजिए, अभी सेंट्रल लाइन पे ध्यान दीजिए, छोड़ दीजिए प्रेसिडेंट वगैरह जो भी है, सेंट्रल लाइन फोकस कीजिए। तो ये लाइन आपको सेंट्रल लाइन है, और कौन से वेन के अंदर है, इंटरनल राइट इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। अगर यहां पर होती तो मैं उसको नाम देता राइट सबक्लेवियन वेन, सब क्लेवियन से मतलब है जस्ट क्लेविकल के नीचे, सब का मतलब होता है बिलो, क्लेविकल बोन के जस्ट नीचे। यहां पर अगर ऐसे लाइन लगी होती है तो उसको बोलते हैं सब क्लेवियन वेन या सब क्लेवियन सेंट्रल लाइन, और ऐसे सीधी होती है ब्रेन की तरफ तो उसको बोलते हैं राइट, राइट साइड में है तो राइट इंटरनल जुगुलर सेंट्रल कैथेटर या सेंट्रल, अंडरस्टैंड यहां तक कोई, ठीक है इंटरनल जुगुलर वेन। सो स्टार्ट करते हैं अपने यहां पर, और ये भी आपको पिक दिए, ये भी सिर्फ सेंटर लाइन की पिक है, थोड़ा जूम करके दिखाऊं मैं आपको, क्लियर आ रहा है, देख लीजिए जितना भी है, ये जो पिक है ये आपके सेंटर लाइन है, ये जो इतना सा ये आपके सेंटर लाइन है, इस टाइप में आपको करके बना के दिखाऊं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, एक मिनट वेट कीजिएगा। कीजिएगा थोड़ा बहुत टेक्निकल एरर है, अल्का सोकेन थ्री पोर्ट के कलर एंड फंक्शन बताना, बिल्कुल एक बार मुझे और याद दिला देना, मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, डोंट वरी, बस लगे रहिएगा कि जाइए मत। हाँ ये देख लीजिए, ये जो आपको पीक नजर आ रही है ये पीक एक सेंटर लाइन की पीक है, ये यहां से यहां तक जाना, ये पूरा सेंटर लाइन का सेट दिख रहा है, जो यहां तक आपको दिख रहा है ये पूरा सेंटर लाइन का सेट है, सिर्फ उसको सेंटर लाइन बोलेंगे। और सेंटर लाइन के एग्जाम में पीक आती है तो वो हल्की सी कर्व लिए होगी, ऐसी मूड़ी हुई होगी, ठीक है ना। और इसके बाद तो ये थ्री लुमेन की, ये वन लुमेन, ये टू लुमेन, ये थ्री लुमेन, उसके आगे पढ़ेंगे क्या क्या काम आते हैं, थ्री लुमेन तीनों पढ़ेंगे डिटेल में बारे में। तो बेसिकली मैं पीक बता रहा हूँ सेंटर लाइन होती किस टाइप की है,
ठीक है ना, ये आपको सेंटर लाइन। ये साथ में कुछ एक्सेसरी डिवाइस होते हैं जो सेंटर लाइन इंसर्शन करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, ये गाइड वायर है जो गाइड करने के काम आता है, बिल्कुल राइट आट्रियम के पास तक पहुंचता है। ये 10 ml की सिरिंज है, ये उसको अपन बोलते हैं ये आईवी कैनुला का जो आता है इसको बोल देंगे स्टीलेट, ये आपका स्टीलेट है। ये गाइड वायर है जो फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ जाता है। ये डायलेटर है, प्लास्टिक का होता है। सबसे पहले स्टीलेट से पंक्चर करते हैं, पंक्चर करने के बाद सेंटर लाइन बड़ी होती है, नहीं जाएगी, फिर उसके ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं, वो डायलेट करेगा, नाम दिया डायलेटर, मतलब बड़ी कर देगा साइज को, और उसके बाद अपन गाइड वायर के थ्रू सेंटर लाइन को आराम से लगा सकते हैं। ठीक है ना, थ्री पोर्ट्स के कलर जरूर बताएंगे अलका सोकेन। ठीक है, तो चलिए आपके सेंटर लाइन का पिक हो गया। ठीक है, सिर्फ लाइन का है और ये लाइन लगी हुई का पिक, यहां पर डाउट क्लियर आपको। चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, सेंटर लाइन आ जाइएगा। सेंटर लाइन, हाँ देख लीजिए टॉपिक सेंटर लाइन स्टार्ट हो गया है, सब लगे रहिए। यहाँ पर मिस ना हुए, 110 से 109 पे आ गए, एक कौन भाग गया है, एक क्वेश्चन कम हो रहा है, जो भी जा रहा है छोड़ करके। ठीक है ना, अब सेंटर लाइन को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन को सेकंड नाम है उसका सेंट्रल वेनस कैथेटर, मतलब सेंट्रल वेन के अंदर कोई भी कैथेटर लगाना सेंट्रल वेनस कैथेटर कहलाता है, ये प्रायः कैनुला होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट नाम है सेंट्रल वेनस असेस कैथेटर, मतलब ये सेंट्रल वेन को असेस करता है, देखने का काम करता है, सेंट्रल वेनस असेस कैथेटर। ठीक है ना, या फिर उसको सेंट्रल लाइन भी बोल सकते हैं या सेंट्रल वेनस लाइन, ये सब एक ही सेंट्रल लाइन के नाम है। अंडरस्टैंड नाम है कोई, डेफिनेशन की सिंपल सी बात करूं सर, इसमें हिपेरिन, बेटा हिपेरिन भी करते हैं, एनएस भी करते हैं, वो भी बता दूंगा, आप बताने के बाद कमेंट कर लेना। ठीक है ना, क्वेश्चन तो पूछते रहिए, बिल्कुल बताऊंगा हिपेरिन और एनएस के बारे में। डेफिनेशन सिंपल सी है, कुछ नहीं है, एक कोई भी कैथेटर जो वेन के थ्रू, वो वेन आपके पेरिफेरल वेन भी हो सकती है, आपकी सेंट्रल वेन भी हो सकती है, यहाँ तक कि पैर की फेमोरल वेन भी हो सकती है। किसी भी वेन से कोई भी कैथेटर को इंट्रोड्यूस करना वेन के अंदर और उसका टिप को यहाँ से असेस होते हुए बिल्कुल हार्ट के पास तक ले आना, हार्ट के पास मतलब राइट आट्रियम के पास तक ले आना, वो प्रोसीजर कहलाता है सेंट्रल लाइन। सिंपल सी बात देख लीजिए, एक कैथेटर inserted into the vein, vein कोई भी हो सकती है, and उसका end tip last वाला part, ये वाला इस type vein होती है, ये वाला उसका end tip होता है, ये end tip place in the vena cava, दो vena cava होती है SVC, IVC, superior vena cava, inferior vena cava, तो most commonly कहाँ पर introduce करते हैं, superior vena cava, near to the right atrium, आगे atrium ना लिखा हुआ है, heart का right atrium, near to the right atrium of the heart, ये heart है, it is the right atrium, it is the superior vena cava, समझ रहे हो यहां, superior vena cava तक एक line को introduce करना और यहां तक ले आना, sorry ये लाइन में यहां से इंट्रोड्यूस करता हूं और इस लाइन का एंड टिप यहां तक आ गया, ये देख लीजिए आप, ये थ्री लुमेन है का टिप मैंने एक वेन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया और उसका टिप सुप्रीम वेना केवा तक ले आया, हट के अंदर नहीं गया। किसी ने आ सकता है कि सेंट्रल लाइन का जो लास्ट टिप होता है, एंड टिप होता है, उसका प्लेसमेंट, करेक्ट प्लेसमेंट कहां पर होता है, तो करेक्ट प्लेसमेंट आपका होता है लोअर वन थर्ड, लोअर वन थर्ड ऑफ द सुप्रीर वेना केवा, उसके तीन टुकड़े करूंगा मैं, एक दो तीन,
तो लोअर वन थर्ड के अंदर उसका लास्ट टिप रखते हैं। अंडरस्टैंड, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान दीजिए। सर इसमें रिपेयर भी करेंगे और बेटा एनएस भी करेंगे, अलग अलग करेंगे, बताऊंगा किसमें कौन सा करेंगे। सर मैक्सिमम आईएम इंजेक्शन कितना एमएल होता है बेटा, चाइल्ड की उम्र के अकॉर्डिंग होता है। 2 साल का बच्चा भी सैली कहलाता है, 10 साल का बच्चा भी सैली कहलाता है, ठीक है ना, बताएंगे आपको। बिल्कुल एंड ऑफ सीसी, बिल्कुल एंड ऑफ सीसी, मतलब आपका आंसर सुप्रीम बना के जाएगा, राइट आर्टरी में नहीं जाएगा, राइट आर्टरी के अंदर उसका प्लेसमेंट नहीं रखते हैं। अंडरस्टैंड, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। क्या आपका डेफिनेशन होगी? नेक्स्ट में बात करो इंडिकेशन की, बिल्कुल सिंपल से इंडिकेशन है, कोई यहां पर लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इंडिकेशन की। हाँ, इंडिकेशन का मतलब होता है सेंट्रल लाइन कब कब लगाएंगे अपन, क्या जरूरत पड़ती है सेंट्रल लाइन को लगाने की। अब ठीक है, देख सेंट्रल लाइन को लगाने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आप सबसे पहले देख लीजिए कि जब पेशेंट को मल्टीपल इन्फ्यूजन ऑफ फ्लूड्स, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको फ्लूड की जरूरत पड़ती है, तब अपन सेंट्रल लाइन का उपयोग करते हैं, पेरिफेरल से इतनी पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड यहां पर। दूसरा इन्फ्यूजन मतलब बहुत फास्ट देना हो आपको, 5 मिनट 10 मिनट के अंदर पूरा 500 ml देना हो, तभी अपन को सेंट्रल लाइन सही है, मतलब लार्ज वॉल्यूम उसका डायमीटर होता है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन पेरिफेरल आई लाइन नॉट फाउंड, पेरिफेरल का मतलब होता है अपनी बॉडी से दूर, दूर का मतलब हाथ और पैरों में, ये वाली वेन दोनों पैरों की वेन पेरिफेरल कहलाती है। तो जब पेरिफेरल वेन नहीं मिलती है, नॉट फाउंड, तब जाकर के अपन को सेंट्रल लाइन लगानी पड़ती है। अंडरस्टैंड, थर्ड वन पॉइंट है अपना। हाँ, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सब आएगा, पंकज जिंदगर सब रखिए बेटा एक मिनट। पेशेंट रिक्वायर फ्रीक्वेंट वेनस ब्लड सैंपल, ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल लाइन क्यों लगाएंगे, फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग या फ्रीक्वेंट वेनस ब्लड सैंपलिंग, प्रायोरिटी आपको देनी है फ्रीक्वेंट वेनस ब्लड सैंपलिंग से, फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग मत करना, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग भी होता है, तो आर्टेरियल ब्लड सैंपलिंग में सेंट्रल लाइन नहीं लगाती, ये वेन में लगती है, आर्टरी में नहीं लगती, इसलिए मैंने आपको लिखता है फ्रीक्वेंट वेन ब्लड सैंपलिंग, इंपोर्टेंट कर दीजिए वाला इनको, बार बार सैंपल लेना पड़ता है, दिन में 10 बार तो थोड़ा ना उसको प्रिक करेंगे तब सेंट्रल लाइन। नेक्स्ट, पेशेंट रिक्वायर टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी, जब पेशेंट खाना पीना मुंह से नहीं खा पाता है, तब उसको खाने के रूप में इंजेक्शन आता है 1000 ml 1500 ml का, उसको बोलते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, ये भी अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि टीपीएनपी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन सब अपन सेंट्रल लाइन से देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। यहां पर देख लीजिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का एक क्वेश्चन और आ चुका है कि कोई भी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, अगर अपन उसको पेरिफेरल लाइन से स्मॉल डायमीटर वाली लाइन से वेन से देंगे, तो वो जाकर के अंदर वेन के अंदर जम जाएगा, मतलब ठीक है ना, और वहां जाने के बाद उसकी वेन को डैमेज कर देगा, और उस वेन को डैमेज मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से स्मॉल वेन का डायमीटर कम हो जाना, डैमेज हो जाना, फ्लेबाइटिस कहलाता है। एक प्रकार का इंफ्लेमेशन कह सकता हूं, वेन का इंफ्लेमेशन क्या कहलाएगा, फ्लेबाइटिस। और ये फ्लेबाइटिस किसकी वजह से होता है, मैं कह सकता हूं कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इफ गिव थ्रू द पेरिफेरल लाइन, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है किसका, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को आपने पेरिफेरल लाइन से दिया, फ्लेबाइटिस हो जाएगा, इसलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ससेज टीपीएन उसको अपन सेंट्रल लाइन से देंगे, कोई डाउट, बिल्कुल। अगर हाई ऑस्मोटिक सॉल्यूशन ऑलवेज सेंट्रल लाइन, फ्लेबाइटिस कॉज करता है अगर पेरिफेरल से दिया तो, ठीक है, क्योंकि गाढ़ा होता है। नेक्स्ट, टू एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी एजेंट, जितनी भी कैंसर की दवाया हमेशा अपन सेंट्रल लाइन से देने की प्रिपेयर करते हैं, हाँ जरूर पेरिफेरल से, प्रायोरिटी सेंट्रल लाइन, ठीक है ना, वेन इटेंट होती है वो। नेक्स्ट, पेशेंट रिक्वायर लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी, मतलब आपको लंबे समय तक मोर देन 2 वीक्स, महीना, 1.5 महीना, आईवी बता रहा हूँ मैं, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, ठीक है ना, बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो उसके लिए अपन को सेंट्रल चाहिए। नेक्स्ट, रिक्वायर फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन पड़े सेंट्रल। नेक्स्ट, एडमिशन ऑफ कार्डियक और इटेंट ड्रग्स, जितनी भी ड्रॉप्स होते हैं, मैं बात करूँ डोपामाइन, डोपामाइन, नॉरेड, एड्रेनालिन, जितने भी इंजेक्शन जो लगते हैं कार्डियक के लिए, ठीक है ना, वो सब अपन सेंट्रल लाइन से देते हैं, ताकि कभी जल्दी से जल्दी उसका एक्शन आ जाए, ठीक है ना, और उनसे हाइपरटोनिक भी होते हैं।
दूसरा इरिटेंट्स ड्रग, बहुत सारी दवाई ऐसी एंटीबायोटिक भी होती है, कुछ कैंसर की दवाई भी होती है जो वेन को इरिटेंट करती है, मतलब इंफ्लामेशन करती है, मतलब फ्लेबाइटिस करती है, उसको इरिटेंट्स बोलते हैं, उनको भी अपन सेंटर लाइन से देते हैं। बिल्कुल राइट कुमार, कुमार केमोथेरेपी बिल्कुल है कुमार, एंटीबायोटिक सही सही लिख रहे हो बिल्कुल। ठीक है नेक्स्ट, रिक्वायर ए टेम्परेरी असेस फॉर हेमोडायलिसिस, ये एक एस को कट कर लेना, पेशेंट रिक्वायर ए टेम्परेरी असेस फॉर हेमोडायलिसिस, किसी पेशेंट को प्रॉब्लम हो गई, टॉक्सिन्स हो गया, जे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स ब्लड के अंदर घुल गए, तो उस ब्लड को ब्लड में घुले हैं उनको निकालने के टेम्परेरी टाइम करते हैं एक या, जो हेमोडायलिसिस होता है मतलब ब्लड का करना एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक मशीन के थ्रू उसको डायलिसिस कहलाता है हेमोडायलिसिस, उनको वेन की पड़ती है और वो वेन सेंटर लाइन लगाते हैं, उसके लिए अपन कोई फिस्टुला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिस्टुला बनाते हैं जब उसको लॉन्ग टर्म डायलिसिस करना पड़ता है या परमानेंट कह सकते हैं, तब तो अपन को फिस्टुला लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए फिस्टुला नहीं लगाते हैं, क्या लगाएंगे सिर्फ सेंटर लाइन, तो उसको बोलेंगे डायलिसिस के लिए टेम्परेरी, तब जाकर अपन सेंटर लाइन लगाते हैं। अंडर से कोई डाउट? नेक्स्ट पेशेंट रिक्वायर्ड, ये हो गया पेशेंट रिसीविंग हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, मैंने बता दिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन बता दिया मैंने आपको, फ्लेबाइटिस। नेक्स्ट पेशेंट टू मॉनिटर सीवीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये आपका इतना इंपॉर्टेंट जितना कि सेंट्रल लाइन पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीवीपी, सीवीपी को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल वेनस प्रेशर, सीवीपी सेंट्रल प्रेशर को नापने के लिए अपन को सेंट्रल लाइन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी मैं पूरा बताऊंगा सीवीपी क्या होता है, कितना प्रेशर होता है, सब उस टॉपिक आ रहा है सीवीपी के बारे में। बिल्कुल वॉइस कट रही है, वॉइस ठीक करवा लेते हैं, टेंशन ना लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, वॉइस आपकी सुरेश क्लियर हो जा रही है वॉइस, सीपी मॉनिटरिंग के लिए वेरी गुड अलका। ठीक है ना, अभी सीपी के बारे में पढ़ रहे हैं क्या होता है, तो ये आपके बेसिक इंडिकेशन थे जिसके अंदर सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आप डालते रहिएगा, सिर्फ क्वेश्चन, बाकी फालतू कमेंट ना करें। ध्यान देने के, ये जो मैं डाटा लाया हूँ ये आपके लेटेस्ट डाटा है, कई बुकों में आपको नाम मिलने वाले, नेट पे मिल सकते हैं लेकिन गलत मिलेंगे, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, ध्यान देना। जितने भी डाटा है सीवीपी के, सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, ठीक कर लेते हैं वॉइस, 2 मिनट रुक जाइए आप, 2 मिनट वेट कीजिएगा, तब तक पानी पी लेता हूँ, आप नहीं पियोगे यही बेटर होगे। वॉइस मेरे में वीडियो नहीं आ रहा इसमें लैपटॉप में, सुनो स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, साइज ऑफ सेंट्रल लाइन, ठीक है ना, ये आपको दिख रही है वापस वही पीक है, राइट इंटरनल जुगुलर वेन का पीक है। अब साइज की बात करें तो साइज हमेशा फ्रेंच में नापते हैं, किसके अंदर, फ्रेंच के अंदर, और जो मोस्ट कॉमन साइज होती है वो आपकी 7 फ्रेंच है, इंपॉर्टेंट कर लेना, याद ही कर लेना इंपॉर्टेंट के हाथों हाथ, मोस्ट कॉमन साइज 7 फ्रेंच। ठीक है, और 7 फ्रेंच के सपोज अगर एग्जाम में फ्रेंच ना पूछे और आपसे एमएम में पूछी जाए कि मोस्ट कॉमन जो अपन एडल्ट के लिए सेंट्रल लाइन यूज करते हैं उसके अंदर आपकी जो सेंट्रल लाइन का डायमीटर कितना होता है उसको अपन फ्रेंच में नापेंगे, लेकिन क्वेश्चन आ गया एमएम में कितना होगा तो मैं आपको बता दूं 1 फ्रेंच, ये बुझ के काम आएगा, एक बार से याद कर लो, 1 फ्रेंच का मतलब होता है 0.33 mm,
या मैं ये कह सकूं कि 3 mm, सॉरी एक मिनट, या मैं ये कहूं फ्रेंच इक्वल टू फ्रेंच इक्वल टू 1 mm, ये आप डाटा ऐड कर लीजिए, ठीक है ना। इसका मतलब आपके फ्रेंच छोटा होता है, एमएम बड़ा होता है, 1 mm के अंदर 3 फ्रेंच होते हैं। तो यहां पर किसने के 7 फ्रेंच को कितने बोलेंगे, तो 7 फ्रेंच के सीधा सा मेरे हिसाब से हो जाएगा ये अपना 2.33 mm। ध्यान दीजिए, अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट कॉमन साइज ऑफ सेंट्रल लाइन डायामीटर 2.33 mm, फ्रेंच की बात करूं मैं 7 फ्रेंच, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए भी। हाँ बेटा, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए भी ये सेम है। क्लियर नहीं है वॉइस बेटा, वॉइस का काम कर रहे हैं वैसे, कुछ दिक्कत थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम है, अभी टेक्निकल एरर है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कर रहे हैं आपके वॉइस क्वालिटी को। दूसरा, अगर बच्चे की बात करूं मैं आपको, तो जो टीनेज होते हैं 12 से 18 साल तक, उनको अपन 6 फ्रेंच यूज करते हैं, मतलब 2 mm। उसके बाद में मैं करूं 7 से 12 साल की स्कूल एज चिल्ड्रन, जो स्कूल जाते हैं उनके अंदर होती है 5 फ्रेंच या 1.66 mm। उसके बाद बात करूं मैं प्री स्कूल एज चिल्ड्रन की 5 साल से नीचे 3 सिर के, तो उसके अंदर होती है आपके 1.33 mm की, और 2 साल से कम का बच्चा है तो अपन यूज करेंगे 1 mm की। आप एडल्ट की तो कम से कम याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एडल्ट के लिए, बाकी आप भले भूल जाओ कोई बात नहीं है। कमेंट आने बंद हो गए सर, कमेंट सही है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक वॉइस के लिए, कोई कमेंट करके बताइए कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आई थिंक कमेंट बंद करे, एक मिनट आप वेट कर लीजिए, कुछ टेक्निकल एरर है, जल्दी ही उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक मिनट वेट कर दीजिए। सोनी हो रही, टेक्निकली से लगेगा यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, उसके आपके पास वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आई डोंट नो। आवाज आ रही है, कमेंट रहे हैं, आ रही है, आ रही है, 10:31 टाइम हुआ है, 10:31, ठीक है, वेरी गुड जानवी सर, ऑल क्लियर है, नो प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं है, सब कुछ बढ़िया, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, चलो ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ अब आगे आगे, थैंक्स। चलो ठीक है, ये आपके साइज की बात हो गई, एडल्ट के लिए आपकी ये है, बाकी आप 6 फ्रेंच 12 से 18, 5 इंच 7 to 12, 4 फ्रेंच 3 to 6, 3 फ्रेंच 2 साल से कम बच्चे के लिए। अब मैं बात करूं लेंथ की, कितनी लंबाई लाइन की होती है, जो देखो आप यहां देख सकते हो, ये यहां से लेकर के यहां तक इस पूरी लंबाई की बात कराऊं मैं, कितनी होती है, तो ये होती है आपकी
सिक्स से 12 इंच होती है आपकी, कहने का मतलब आपकी 15 से 30 सेंटीमीटर में। कई बार ये पूछ लेते हैं एग्जाम में सेंटीमीटर या इंच के अंदर। आप जानते होंगे बेसिकली कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना इंच बड़ा होता है, 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 6 को 2.5 से गुना करोगे 15 आएंगे, 12 को 2.5 से गुना करोगे 30 आएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करूं मैं इंसर्शन लेंथ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेंटर लाइन अपन बॉडी के अंदर इंसर्ट कितनी करेंगे। तो ये स्पेशल अपन करते हैं जब राइट इंटरनल जुगुलर वेन, इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन जो आप उस पिक के अंदर देख सकते हो, ये राइट इंटरनल जुगुलर वेन ही है। ये भी सॉरी, ये राइट सब क्लेवियन वेन है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूं राइट इंटरनल जुगुलर वेन। अगर यहां से इंसर्ट करेंगे तो उसकी लंबाई अपन रखते हैं 13 से 15 सेंटीमीटर, याद कर लेना। अगर फीमेल का है तो आप 1 सेंटीमीटर कम कर देना, अंडरस्टैंड। मेल का है तो आपका ये रहेगा। अगर बाय चांस लेफ्ट का पूछे तो आप यहां पर 2 to 3 सेंटीमीटर लेफ्ट के लिए इंक्रीज कर सकते हो इंसर्शन साइट, लेफ्ट के लिए 2 to 3 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगी, ध्यान देना। अगर यहां से लगाएंगे सेंटर लाइन तो थोड़ा यहां की तुलना में हार्ट थोड़ा दूर पड़ता है, ठीक है ना, राइट आर्टरी, तो 2 से 3 सेंटीमीटर इंक्रीज करना है लेफ्ट में। वैसे आपका क्वेश्चन लेफ्ट से नहीं आएगा, आएगा तो आपका क्वेश्चन सर, यस सर, भाग्यवंती चौधरी काफी दिनों बाद देखी, जिंदा है क्या अभी तक, वेरी गुड। WWE ड्रीम मैसेज आ रहा है सर, WWE कहां से आ गया, एक मिनट, चलो आ रही है, वेरी गुड। वॉइस बंद कर दो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं वापस आपको ये वाले लाइन का। तो इंसर्शन लेंथ आपकी हो गई है, ये राइट इंटरनल जुगुलर वेन के लिए 13 से 15 सेंटीमीटर। और मोस्ट कॉमन जो आपकी सेंटर लाइन इंसर्ट करते हैं वो करते हैं अपने RIJV के अंदर, ये वाली मोस्ट कॉमन साइट है आपकी, ठीक है ना, राइट इंटरनल जुगुलर वेन। इसलिए मैंने आपको राइट इंटरनल जुगुलर वेन का ही इंसर्शन लेंथ बताया है, यहां से लेकर के मतलब जो हर्ट होता है यहां तक बॉडी के अंदर कितनी जा रही है उसकी बात है इंसर्शन लेंथ की, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मोस्ट कॉमन साइट, थोड़ा आगे बढ़ू, मोस्ट कॉमन साइट की बात आ रही है अपने यहां पर, मोस्ट कॉमन साइट के बारे में देख लीजिए। जो सबसे कॉमन साइट है वो आपकी होती है सेंट्रल, ध्यान दीजिए, यहां पर अपन दोनों जगह से उनको इंसर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट वन सेंट्रल है और सेकंड वन का पेरिफेरल है, मतलब यहां से भी लगा सकते हैं और हाथ पैर से भी लगा सकते हैं, लेकिन टिप कहाँ आएगा, सुपीरियर वेना के हार्ट के पास में आएगा। अगर सेंट्रल से बात करूं तो सबसे पहले राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये ऑप्शन में नहीं है, सेकेंड सब क्लेविन, आप पिक में देख सकते हैं ये दोनों पिक फर्स्ट और सेकेंड है, ये मोस्ट कॉमन साइट राइट इंटरनल जुगुलर वेन, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन साइट राइट सब क्लेवियन वेन, यहां तक कोई डाउट नहीं, मोस्ट कॉमन साइट सेंट्रल की बात करूं। अगर मैं पेरिफेरल की बात करूं, मोस्ट कॉमन साइट इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, क्या होगा, दोनों के अंदर अल्कासोन सेम है, कोई बच्चा और एडल्ट के अंदर अलग अलग इंसर्शन साइट नहीं होती, दोनों के अंदर सेम है। पेरिफेरल की बात करो तो पेरिफेरल के अंदर मोस्ट कॉमन, ध्यान देना आप, बेसिलिक, ठीक है ना, ये आप देख सकते हो बेसिलिक आपकी इनर साइड में होती है, ये वाली बेसिलिक वेन है, ये मोस्ट कॉमन करेंगे अगर आपके अंदर से सेंटर लाइन इंसर्ट करके यहां ले आ रहे हैं, समझ रहे हो, यहां से इंसर्ट करवा करके सुपरी वेना के में ला रहे हैं, तो सबसे
प्रीफर साइट बेसिलिक वेन, याद करना बीसी बगैर आंसर कर लोगे याद, कोई डाउट नहीं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, सेकंड सिपेली जस्ट आउटर साइड में होती है ये वाली, सेकंड ये फर्स्ट ये सेकंड, और अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो थर्ड वन यूज है अपन फीमोरल वेन, ठीक है ना। फीमोरल भी किसमें आती है आपके पेरिफेरल के अंदर, लेकिन उसका टिप कहां जाएगा सुपीरियर वेना केवा के अंदर। तो है सेंट्रल लाइन, इंसर्शन कहां से करते हैं सेंट्रल से कर रहे हैं, तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन पेरिफेरल से, सॉरी और सेकंड है सबक्लेवियल वेन पेरिफेरल से कर रहे हैं, फर्स्ट वन ब्रेक सॉरी बेसिलिक सिपेलिक, थर्ड वन फीमोरल के अंदर। अंडरस्टैंड यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन साइट बेटा बता दिया ना, मोस्ट कॉमन राइट इंटरनल जुगुलर वेन आरआईजीवी मोस्ट कॉमन, कुछ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यस मोस्ट कॉमन साइट इज एडल्ट एंड चिल्ड्रन, सबके लिए सेम है बेटा, मोस्ट कॉमन इल्ड्रन एंड चिल्ड्रन सबके लिए। ब्रेकियल वेन यूज नहीं होगी क्या बेटा, ब्रेकियल की ब्रांच होती है पशुपा खत्री, जो ब्रेकियल वेन की ब्रांच होती है अपनी सिपेलिक और ये बेसिलिक और सिपेलिक, ठीक है ना। नेक्स्ट ठीक है, उसके बाद में बात करो आपको, चलो ये पूरा हो गया। यहां पर देखिए लेंथ हो गई है, साइज हो गई है, इंसर्शन लेंथ हो गई है, कॉमन साइड हो गई आपकी, ठीक है ना। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका साइज का और लेंथ का, ठीक है। नेक्स्ट चलो अपना सीवीपी आ गया वापस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीवीपी समझ लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार कम से कम 100 बार पूछा गया होगा, ठीक है। सीवीपी मेजरमेंट सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर ये अपन जब नापते हैं, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा हाइपोवॉलेमिया है, बहुत ज्यादा हाइपरवॉलेमिया है, या राइट साइड का हार्ट फेलियर है, पेशेंट शॉक में चला गया है, पेशेंट को कोई भी वेनस प्रॉब्लम है, तब जाकर के अपन को सेंट्रल वेनस प्रेशर की जरूरत पड़ती है, या पेशेंट को राइट आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, राइट आर्टरी में काम नहीं कर रहा है, ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है, तब जाकर के अपन सेंट्रल वेन प्रेशर नापने की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए अपन को सेंट्रल लाइन लगाना जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लाइन नॉर्मल सीवीपी, नॉर्मल सेंट्रल वेनस प्रेशर आपको एग्जाम में या किसी प्रीवियस बुक में आपको बहुत सारा गलत दे रखा है। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आपकी 3 to 8 mmHg है, एग्जैक्ट वैल्यू सीवीपी 3 to 8 mmHg, ध्यान देना ये दोनों रीडिंग आती है एग्जाम में। अगर ये का ये आपको सेंटीमीटर H2O में पूछे तो सेंटीमीटर H2O में आप उसकी कितने करोगे 5 to 10 cm H2O, दोनों आते, तो आपको ध्यान देना है कि किससे रीडिंग क्या पूछी है, वाटर में पूछी है कि मरकरी के अंदर पूछी है, मरकरी के अंदर कम होती है, वाटर के अंदर ज्यादा होती है, कितनी कम कितनी ज्यादा वो आप एक बार देख लीजिए कि 1 mmHg, ये मेरा बेसिक क्लियर कर रहा है आपको, 1 mmHg होता है आपके 0.7 सॉरी एक मिनट, वन सेंटीमीटर H2O होता है इक्वल 0.7 mmHg, उससे आप निकाल सकते हो 1 cm H2O इक्वल टू 0.7 mmHg, कहने का मतलब mmHg छोटा है सेंटीमीटर H2O बड़ा है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, पुष्पा ब्रेकियल वेन बेटा ब्रेकियल नहीं करते बता दिया मैं आपको, फेमोरल की वेन बेटा ये अलग आती है, फेमोरल की वेन दिक्कत नहीं दे रहा, साफ दिखाई साफ नहीं दे रहा दिखाई, चलो साफ के लिए कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। सब क्लेवियन मोस्ट कॉमन, नहीं बेटा सब क्लेवियन मोस्ट कॉमन नहीं है, निमोथोरिक की प्रॉब्लम है, पंकज पंवार सब क्लेवियन से निमोथोरिक होता है, ठीक है। देखो मैं आपको एक डिफरेंट और क्लियर कर लूं, आपको मोस्ट कॉमन साइड की वापस बात करूं मैं आपको, एक मिनट बैक चलिएगा, जो
जो आपके कमेंट आ रहे हैं सर मोस्ट कॉमन साइट, एक मिनट में टाइम लूंगा आपका वापिस। मोस्ट कॉमन साइट में वापस देख लेते हैं, आपके डाउट आ रहे हैं सबके, मोस्ट कॉमन साइट सर मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है, देख लीजिए बेटा मोस्ट कॉमन साइट का। हाँ हाँ अब देखिए मोस्ट कॉमन साइट, यहां पर मैंने लिखा आपको सेंट्रल के अंदर राइट इंटरनल जुगुलर वेन भी है, और सेकंड मैंने आपको लिखा है राइट सबक्लेवियन वेन भी है। वैसे देखे तो दोनों ही मोस्ट कॉमन साइट है, आप किसी भी बुक के अंदर किसी भी नेट के अंदर, ठीक है ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि मोस्ट कॉमन साइट ये है कि ये है। मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं, दोनों को ही मोस्ट कॉमन साइट मानते हैं, लेकिन ध्यान देना ये मैं आपको राइट इंटरनल जुगुलर वेन प्रायोरिटी मैं मेरी खुद की इसलिए दे रहा हूं कि जब अपन सब क्लेवियन से देते हैं तो सब क्लेवियन के अंदर निमोथोरेक्स होने का चांस बहुत ज्यादा है, और निमोथोरेक्स एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर निमोथोरेक्स हो गया तो पेशेंट को चेस्ट ट्यूब लगानी पड़ जाएगी, और चेस्ट ट्यूब लगाएंगे तो पेशेंट के अटेंडर को पता पड़ जाएगा कि डॉक्टर ने कोई गलती कर ली है लगाने में, ये अनपढ़ है नहीं आता उसको, बिना एक्सपीरियंस वाला है, तब उसने कहीं इनके को पंक्चर किया है, अब सेंटर लाइन लगा रहे हैं, तो ये पेशेंट के लिए ठीक नहीं है, अटेंडर के लिए भी ठीक नहीं है, इसलिए अपन को हो सके तो कम प्रायोरिटी देते हैं इंटरनल जुगुलर को देते हैं। यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशन है, यहाँ पर जैसे कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन होता है अपना थ्रोम्बस बन जाता है, ठीक है ना, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, लेकिन ये पेशेंट को कम दिखने वाले हैं, इतना वेग्यू एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए मैं दोनों में से प्रायोरिटी दूंगा राइट इंटरनल जुगुलर वेन। बाकी दोनों इक्वल है, बुक में आपको किसी बुक में आपको नहीं मिलेगी प्रायोरिटी कौन सी है, फिर भी आता है एग्जाम में, तो मेरे लिए राइट इंटरनल जुगुलर वेन फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड सब क्लेवियन वेन है, बाकी दोनों इक्वल है वैसे देखे तो। अंडरस्टैंड, डायग्राम साफ नहीं आ रहा बेटा, डायग्राम अभी और आएगा, ठीक है, चीफ सोन डायग्राम वापस दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट हाँ, यहाँ पर अपन चल रहे थे सीवीपी मेजरमेंट के अंदर, मैंने आपको बता दिया नॉर्मल प्रेशर कितना होता है। हाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सीवीपी मेजरमेंट कब करते हैं, प्रेशर कब नापते हैं, पेशेंट इंस्पिरेशन करता है तब या पेशेंट एक्सपायरेशन करता है तब, तो ध्यान दीजिए ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब पेशेंट अपने रेस्पिरेशन को बाहर निकालता है उस समय अपन एक मिनट रुक जाइए आप। हाँ ये अपना टॉपिक था, यस अब दिख रहा है क्लियर, ठीक है, जूम 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 किरण जूम ले एक बार तू भी जोर से, यस इसे जूम नहीं होगा बहुत है अभी। हाँ सीवीपी मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, और उसके अंदर एक बार और क्वेश्चन आ चुका है कि एक्सप्रेशन के अंदर भी कम कब, तो उसका आंसर आपका जाएगा एंड ऑफ एक्सपायरेशन, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑफ एक्सपायरेशन के समय जब व्यक्ति सांस बाहर निकालता है पूरा एक्सप्रेशन कर लेता है, जैसे कि अब पूरी सांस बाहर निकालने के बाद अपन सेंट्रल लाइन का जो सॉरी उसका प्रेशर है वो मेजरमेंट करते हैं, तो ये भी आपका क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना। एम्स किसको मानता है बेटा, बेटा एम्स बताओ इंटरनल जुगुलर को मानेगा वैसे आ गया तो, ठीक है, गुलाब जयपाल वेरी गुड्स, एंड ऑफ एक्सपायरेशन वेरी गुड्स, एंड ऑफ एक्सपायरेशन सुरेश चौधरी वेरी गुड्स, एंड ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए सीवीपी मेजरमेंट टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक से अपन सीवीपी को मेजरमेंट करते हैं, या स्पेशल दो टेक्निक होती है की बात करूं, यहां पर टू टेक्निक होती है, ये देख लीजिए यहां पर वापस में आपको पूरा दिख रहा है, इसे इधर ज़ूम भी नहीं होगा अब,
दो टेक्निक है, फर्स्ट वन आपका एक्सटर्नल टेक्निक, फर्स्ट एक्सटर्नल टेक्निक, सेकेंड वन इंटरनल टेक्निक, या मैं उसको नॉन इन्वेसिव भी बोल सकता हूं। एक्सटर्नल मतलब बिना कुछ कट लगाए, बिना कुछ इंसर्शन किए, बिना कुछ लाइन लगाए, बिना लाइन की, बिना कैनुले की, बिना कैथेटर के सेंट्रल वेनस प्रेशर को नापना, ठीक है ना। एक्सटर्नल आपका कहलाएगा या नॉन इन्वेसिव टेक्निक कहलाएगी। दूसरा है आपको कुछ कैथेटर लगा करके, लाइन लगा करके, एक ट्यूब लगा करके सेंट्रल वेनस प्रेशर को नापना, इंटरनल टेक्निक कहलाएगी। अंडरस्टैंड, इंटरनल भी फर्दर टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होता है कि एनोमीटर सिस्टम, सेकंड वन होता है इज द ट्रांसड्यूसर सिस्टम। दोनों किसके पार्ट है आपके? इंटरनल के। ये लाइन में बता दूंगा क्या मतलब है, दोनों का मतलब सुन गया। इंटरनल के अंदर मैनोमीटर, सेकंड वन ट्रांसड्यूसर, दोनों को इंटरनल टेक्निक में शामिल किया गया है। अब आपको पीक दिख रही होगी थोड़ा बहुत, एक बार पीक के बारे में आप कमेंट कर दीजिए। जो आपको तीन पीक दिख रही है, 1 2 3, क्या तीनों पीक आपको क्लियर नजर आ रही है, यस या नो? बस एक या दो लोग कमेंट कर दीजिए। क्या तीनों पीक क्लियर नजर आ रही है, बता दीजिए जल्दी से। आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं अभी आधे घंटे। नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। वीरेंद्र क्या नहीं आ रही क्या? नो नो यस, ऐसा किसी को आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। नो यस, नो यस। चलो बेटा थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं आपको, ये मैं भी देख लूं। हाँ चलो थोड़ी कम आ रही है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, चलो कोई ना, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गया मैं, समझ गया। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, ठीक है। मैं भी जूम करके बताऊंगा, अभी बेसिक देख लीजिए कि ये जो आपको पिक नजर आ रही है सिर्फ पेशेंट को नॉन इन्वेसिव की है, इसकी पिक ये है, एक्सटर्नल की ये है, इंटरनल की दोनों ये है, मैनोमीटर की ये पिक है और ट्रांसड्यूसर की आपके ये पिक है। दोनों पिकों का आप देख लीजिए आप। अच्छा मैं आ गया हूं बेटा, मैं ठीक है हट गया, बस मैं जूम करूंगा अभी, अभी जूम करूंगा। समझ लीजिए, एक्सटर्नल की आपकी ये पिक है, दूसरी बात करूं मैं इंटरनल की, इंटरनल के अंदर मैनोमीटर, ट्रांसड्यूसर, मैनोमीटर की आपकी ये पीक है, ट्रांसड्यूसर की आपकी थर्ड वन पीक। यहां तक क्लियर? अभी मैं आपको थोड़ा और जूम कर लेता हूं, थोड़ा कम कर दो सर, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस कम, ब्राइटनेस कम होगा किसी, किसी में करना पड़ेगा। एक मिनट, आपको ब्राइटनेस कम कर रहे हैं, ब्राइटनेस कम कर रहे हैं, एक मिनट वेट कर दीजिए। क्वालिटी बढ़ाओ, बढ़ा रहे हैं नरेश, एक मिनट, आपस में कमेंट ना करें वीरेंद्र, जानवी, नरेश, जानवी इमोजी नहीं भेजे, जैसे वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया जाता है आपको, 17 जुलाई को वर्ल्ड इमोजी डे, याद कर लेना। पिक के लिए एक अलग साइड में रखा है, कोई बोल्ड और बैकग्राउंड और क्लियर, एक मिनट क्लियर कर रहे हैं, हो रहा है ब्राइटनेस किया, ठीक है अब दिख जाएगा आपको, ठीक है अब आ जाएगा। आप देख लीजिए, मैं सबसे पहले आपको एक्सटर्नल लेके चलता हूँ, एक्सटर्नल का जूम कर देता हूँ मैं आपको, ये आप देख सकते हो, ये जो दिख रही है ये आपके एक्सटर्नल या नॉन इन्वेसिव सेंट्रल लाइन की,
अब आप देख लीजिए, जितनी दिखेगी उसे दब नहीं दिखेगी। अपने आंखों के नंबर चेक करा लीजिए, अगर नहीं दिख रही है तो। ये आपका पूरा है एक्सटर्नल या नॉन इन्वेसिव। ये एक्सटर्नल या नॉन इन्वेसिव के लिए है। बेसिकली उसमें ध्यान दीजिए, यहां से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, जो पेशेंट की पोजीशन होती है उसको अपन 45 डिग्री, देखो ये पेशेंट बैठ रहा है और 45 डिग्री उसका एंगल है, यहां पर 45 डिग्री एंगल पे पेशेंट की पोजीशन रखते हैं। कब? आपको सेंट्रल लाइन, सॉरी बिना सेंट्रल लाइन के सीवीपी मेजरमेंट करना पड़ रहा है नॉन इन्वेसिव तरीके से। ठीक है, वापिस यहां पर देख लीजिए, उसका जो नापने का तरीका होता है उसमें स्केल रखते हैं और एक स्केल को यहां पर डालते हैं, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ लुईस। उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ लुईस, LOUIS। ये ईस्टर्न का एंगल, ये वाला एंगल आपके एंगल ऑफ लुईस कहलाएगा। ठीक है ना, ईस्टर्नम का अपर वाला मेनुब्रियम के जस्ट नीचे वाला पार्ट एंगल ऑफ लुईस। और दूसरा अपन रखते हैं यहां पर, उसको बोलते हैं मैक्सिमम, उस पार्ट को मैक्सिमम वेनस प्रेशर, मैक्सिमम वेनस प्रेशर। ठीक है, अब आप देख लीजिए, एक स्केल को मैंने यहां पर रखा मैक्सिमम वेनस प्रेशर पे, दूसरी स्केल को मैंने यहां पर रखा एंगल ऑफ लुईस पे। जो ये कर्व बनता है, जो ये क्रॉस बनता है, उस क्रॉस पे कुछ लाइन लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 नीचे जो होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर कितना, सपोज ये 4 तक है, तो जो इस आपके लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस का जो आपका मेजरमेंट आएगा वही आपका सेंट्रल वेनस प्रेशर है बिना किसी ट्यूब इंसर्शन किए। तो यहां पर क्वेश्चन कहां से बनेगा कि जो एंगल कौन से लेते हैं, उस एंगल का नाम है एंगल ऑफ लुईस। पेशेंट की पोजीशंस 45 डिग्री, 45। अंडरस्टैंड, यहां से कोई डाउट नहीं? ये नॉन इन्वेसिव के लिए। अब मैं आता हूं इन्वेसिव के लिए। अब इन्वेसिव में देख लीजिए, दो प्रकार से मैंने आपको बताया है। फर्स्ट वन इज द मैनोमीटर सिस्टम, फर्स्ट वन इज द मैनोमीटर सिस्टम, और सेकेंड वन ट्रांसड्यूसर। ये अपना है मैनोमीटर सिस्टम, मैनोमीटर टेक्निक। ध्यान देना, मैनोमीटर में इतना फर्क है कि मैनोमीटर के अंदर मीटर नहीं होता है। ठीक है ना, और ट्रांसड्यूसर के अंदर एक मॉनिटर होता है, ये बेसिक डिफरेंट है। दोनों के अंदर है, दोनों को सेंट्रल लाइन की जरूरत पड़ेगी। अब उसके अंदर जितने आपको पिक दिख रही है, उस पिक के अंदर पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो होती है सुपाइन। जो दिख रहा है पिक की रखी है, ये उसको बोलते हैं अपन मैनोमीटर, ये मैनोमीटर कहलाती है। ये उसको जूम करके दिखाया गया, ये यहां पर आपको दिख रहा है, ये मैनोमीटर है। यहां पर एक आईवी सॉल्यूशन लगा हुआ है, उसके अंदर अपना पिन डाल देते हैं, उसके अंदर सीपी मेजरमेंट करेगा कि इसका प्रेशर कितना बड़ा है। ठीक है ना, ये अपन को विजिबल आंखों से देखना पड़ेगा कि इस स्केल के अंदर, ये जो स्केल है, इस स्केल के अंदर उसका प्रेशर कितना बड़ा हुआ है। ये इधर से एनएस के अंदर हिपेरिन डाला हुआ सलाइन आता रहता है और यहां पर रुक जाता है, इधर से पेशेंट का सेंट्रल वेन के थ्रू ब्लड आता है और वो भी यहां आकर के रुक जाता है। दोनों जाते कहीं नहीं है, बस सिर्फ रुके रहते हैं। अब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो किसी को धक्का लगाएगा, ब्लड का ज्यादा होगा तो इस एनएस को धक्का लगाएगा, उससे ये रीडिंग फ्लक्चुएट होगी, ऊपर नीचे होगी, और उसे पता पड़ेगा कि उसके अंदर मॉनिटर कितना है। ठीक है ना, लेकिन जरूरत आपको सेंट्रल लाइन की है तो इन्वेसिव प्रोसीजर्स। ठीक है ना, वॉइस क्लियर? सर समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, रिपीट करना एक बार, जानवी? ठीक है,
उसके अंदर सेंटर लाइन लगाते हैं, इसके अंदर भी सेंटर लाइन। मैनोमीटर की सबसे पहले बात करूं तो मैनोमीटर के अंदर एक आईवी फ्लूइड लगाते हैं, उसके अंदर कुछ सीपेरिन भी मिक्स कर देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करने के लिए। और उसके बाद पेशेंट को एक इक्विपमेंट आता है छोटा सा, इसको बोलते हैं मैनोमीटर, ये वाले स्केल सिस्टम मैनोमीटर कहलाती है, ठीक है ना। और इधर होता है ब्लड और होती है स्केल, तीन चीज। इधर ब्लड देख सकते हो आप, सेंट्रल लाइन से आ रहा है ब्लड, इधर एनएस बोतल से आ रहा है, उधर ऊपर ये आपकी स्केल जो ये वाली उसके अंदर रीडिंग दिखाती है। तो ये आपको रीडिंग ऑटोमेटिक आएगी, अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो उसके अंदर ये रीडिंग ऊपर जाएगी, ब्लड का प्रेशर कम है तो ये रीडिंग नीचे आएगी, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलेंगे मैनोमीटर। अब ध्यान देना, जो मैनोमीटर का जो क्वेश्चन आता है, मैनोमीटर का लेवल कहाँ रखना सही है, तो जो मैनोमीटर लेवल है वो आपके रखते हैं बिल्कुल लेवल ऑफ द राइट एट्रियम। ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन मैं थोड़ा मिटा के करता हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली एम्स के अंदर, मैनोमीटर लेवल। मैनोमीटर लेवल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेबोट्रेक्सिस एक्सिस, फ्लेबोट्रेक्सिस एक्सिस, ये लेवल होता है मैनोमीटर को प्लेस करने का, कि मैनोमीटर वाला ये वाला पार्ट बताओ मैं, ये वाला पोर्शन मैं उस वाले मैनोमीटर की बात कर रहा हूँ। मैनोमीटर स्केल होगी तो मैनोमीटर की, और ये मैनोमीटर का जो पोर्ट ये इस टाइप होता है बस, ये इधर से एनएस है, इधर से आपका ब्लड है। तो इस मैनोमीटर का ये वाला पोर्शन उसको अपन को फ्लेबोट्रेक्सिस एक्सिस करना है, ये वाला मतलब बिल्कुल लेवल ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लेवल पे रखना है। और इस जो एक्सिस वाला बनता है, ये एक्सिस कहां बनता है मैं आपको और बताऊं थोड़ा डिस्क्रिप्शन, ये एक्सिस बनता है अपना फोर्थ आईसीएस राइट साइड में, तो राइट में बांधूंगा मैं राइट फोर्थ आईसीएस लाइन प्लस मिड एक्सिलरी लाइन। ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, मिड एक्सिलरी लाइन प्लस एक तरफ आपका फोर्थ आईसीएस, दूसरी तरफ आपका मिड एक्सिलरी लाइन, उन दोनों का जो क्रॉस बनता है ये वाला, उस क्रॉस को अपन बोलते हैं फ्लेबोट्रेक्सिस एक्सिस। अंडरस्टैंड? वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर, वॉइस प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाइए सर, वॉइस एक मिनट आप वेट कर दीजिए, वॉइस के लिए क्लियर हो रही है। एक मिनट आप वेट कीजिए। वॉइस आपकी क्लियर जल्दी सॉर्ट आउट की जा रही है, जल्दी सॉर्ट आउट हो रही है आपकी वॉइस। एक मिनट का टाइम लगा दीजिए आप। यस रिव्यू, बीच बीच में कट रही है अभी भी, अब नहीं। यस अब आ रही है, अब आ रही है, सही आ रही है, कंटिन्यू करो सर। ठीक है, ओके, ठीक है, अपना वॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, ठीक, देख लीजिए। तो ये तो आपका मैनोमीटर का हो गया, मैनोमीटर वापस देख लीजिए, मैनोमीटर के लिए सेंट्रल लाइन जरूरी है, इन्वेसिव प्रॉब्लम है, एक स्केल होती है और उसका लेवल अपन यहां पर रखते हैं, उस एक्सिस को बोलते हैं फ्लेबोट्रेक्सिस एक्सिस।
फोर्थ आईसीएस स्पेस प्लस मिड एक्सिलरी लाइन के क्रॉस को बोलेंगे फ्लेबोटैक्सी लेवल पे रखते हैं, ठीक है ना। और पेशेंट की पोजीशन यहाँ पर सुपाइन रहेगी और जो ट्रांसवर्सरी मैनोमीटर होगा वो लेवल ऑफ द राइट एट्रियम के पास मिलेगा, अंडरस्टैंड। चलो सेकंड में आपको कर रहा हूं, दूसरा ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर ये आप देख सकते हो ये ट्रांसड्यूसर है और ट्रांसड्यूसर के लिए मॉनिटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको। ये कौन सी टेक्निक पढ़ रहे हैं अपन, ट्रांसड्यूसर। ये भी एक छोटा सा डिवाइस होता है, इतना सा बताऊंगा पीक, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए एक वायर जुड़ा होता है और उसके साथ में मॉनिटर सही है और सेंट्रल लाइन तो उसके लिए भी सही है। ये भी एनएससी प्रोसीजर है, सेकंड एनएससी का सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। तो ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर में देखिए थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, हाँ ये अपना ट्रांसड्यूसर के बारे में, ट्रांसड्यूसर के लिए रिक्वायरमेंट मॉनिटर, रिक्वायर मॉनिटर के यहां पर मॉनिटर लगा हुआ है और पेशेंट का यहां पर उसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर, इज द ट्रांसड्यूसर, अंडरस्टैंड। और इस ट्रांसड्यूसर सेम टू सेम वो रखना है आपको फ्लेबोटैक्सिस लेवल या नियर टू द राइट, सॉरी लेवल ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है, वो फोर्थ आईसीएस स्पेस क्रॉस लाइन ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, दोनों का लेवल सेम होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वायर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वायर कहां से लगेगा, इस ट्रांसड्यूसर से लेकर मॉनिटर में जाएगा और मॉनिटर के अंदर कुछ वेव आएगी और उस वेव के अंदर आपको सीवीपी दिख जाएगा कितना है, जितना भी होगा वो यहाँ पर आपको फाइंड आउट मॉनिटर में दिखेगा। आपको यहां पर स्केल में देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप स्केल से देख रहे हो इसका मतलब वो मैनोमीटर है इनवेसिव वाला, अगर आप मॉनिटर में देख रहे हो इसका मतलब वो ट्रांसड्यूसर वाला है इनवेसिव वाला, अंडरस्टैंड। और उसके साथ ये वो एक इपेरियन फ्लड की बोतल लगी होती है यहां पर उसको बैलेंस बनाने के लिए, जब प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर आपको ये मॉनिटर शो कर देगा। तो यहां पर कोई डाउट आपको दोनों के अंदर, एनएस में इपेरियन कितना रेशियो वो बताना, राहुल वर्मा एक मिनट वापस मुझे दिलाना, एनएस के अंदर यूपीएन का रेशियो, ठीक है ना, वैसे आपको अभी बता दो एनएस के अंदर यूपीएन का रेशियो होता है 500 एमएल के अंदर 500 यूनिट, यूपीएन सॉरी 500 यूनिट होता है 5 एमएल के अंदर, ये आप देख लीजिए रेशियो इसी हिसाब से निकालते हैं, तो 500 एमएल के आप निकाल सकते हो 5 एमएल एनएस के लिए आपको 500 यूनिट इपेरिन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए, ट्रांसड्यूसर का और मैनोमीटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं अभी, ये पिक आपको दिख रही है लाइन की, अब मुझे बताइए यस या नो सिर्फ कमेंट में, सिर्फ बहुत ज्यादा ही हो रही है बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक कर रहे हैं, हाँ 500 यूनिट प्रिंट 5 एमएल के अंदर, ये पिक बताइए आपको क्लियर दिख रही है, क्लियर दिख रही है, आप सबको दिख रही होगी मेरे हिसाब से, यस यस वेरी गुड शाबाश, ओके ठीक है। अब आप देख लीजिए ये पोर्ट दिए गए हैं, इस पोर्ट को नाम दिया गया है पोर्ट नंबर वन, इसको नाम दिया गया है पोर्ट नंबर टू, इसको नाम दिया गया है पोर्ट नंबर थर्ड, ठीक है। अगर उसको मैं सीधे डायरेक्शन में लेके देखू इस टाइप, तो आपको ऐसे नजर आएंगे, ठीक है ना, एक आपको सबसे लंबा दिख रहा है, एक मिडिल में दिख रहा है, एक सबसे स्मॉल दिख रहा है। तो जो सबसे लंबा को नंबर दिया गया है एक, सबसे स्मॉल वाले को नंबर दिया गया है तीन और मिडिल वाले को नंबर दिया गया है दो,
इस टाइप आपको देखने को, जब ये बाहर पेशेंट को देखोगे, सबसे लंबा वन, मिडिल वाला सेकेंड, और सबसे छोटा वाला थर्ड नंबर। यहां पर कोई डाउट? ठीक है, अब मैं उसके बारे में बताऊंगा, ये पोर्ट क्या काम आते हैं, कौन सा कलर होता है वो देख लीजिए। ठीक है, पिक्स देख लिए, क्योंकि पिक मैं छोटे करूंगा तब आपको पिक नहीं दिखेगी, इसलिए पिक को अंडरस्टैंड समझ लीजिए। सबसे पहला नंबर सबसे लॉन्गेस्ट वाला है, फर्स्ट नंबर लॉन्ग, थर्ड नंबर स्मॉल, दो नंबर मीडियम। ठीक है, तो आप दिमाग में भी फिट कर दीजिए इस पिक को, मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहां तक हो गया था अपना, ये वाला अपना पार्ट मेजरमेंट का हो गया है। मेजरमेंट के जस्ट बाद अपन स्टार्ट करते हैं उसके लिए पोजीशंस। यस, देख लीजिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है पोजीशंस के बारे में। ठीक है ना, जल्दी से अपन पढ़ते रहते हैं। यस, पोजीशन यहां पर अलग अलग चीज क्या है, किस किस की पोजीशन कितनी रखेंगे। सबसे पहले देख लिया पेशेंट की पोजीशंस, फर्स्ट वन पेशेंट पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन करेंगे ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशंस। ये वाली पोजीशन ट्रेंडेलेनबर्ग है, हेड नीचे ऊपर, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाली ट्रेंडेलेन पोज आपको सॉल्व के अंदर भी यूज करते हैं, कोड प्रोलैप्स के अंदर भी इसको यूज करते हैं ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशंस, और ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ सेंटर लाइन, जब इंसर्ट करते हैं तब इंसर्शन ऑफ सेंटर लाइन, तब कौन पोजीशन देते हैं पेशेंट को ट्रेंडेलेन पोजीशन। इससे क्या होता है, वेनस फ्लो बढ़ जाता है, और वेनस फ्लो बढ़ेगा तो वहां पर एयर एम्बोलिज्म के कम चांस होंगे, और वेनस असेस इजीली अवेलेबल होगा और आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं सेंटर लाइन टिप की बात कर रहा हूं, उसका टिप कहां रखेंगे, मैंने आपको बता दिया है लोअर वन थर्ड ऑफ द सुप्रीम वेना केवा, यहां पर उसका टिप आएगा एक दो तीन, ये लोअर वन थर्ड के अंदर, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है लोअर वन थर्ड के अंदर टिप, चाहे किसी भी वेन से इंसर्ट करो, फेमोरल से, ब्रेकियल से, ठीक है, लोअर वन थर्ड के अंदर रहेगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, मैनोमीटर या ट्रांसड्यूसर, फ्लेबोटैक्सिस एक्सिस, अभी मैंने बताया आपको, फोर्थ आईसीएस स्पेस और मिड एक्सिलरी लाइन जो क्रॉस करते हैं उसको बोलेंगे फ्लेबोटैक्सिस। दूसरा है एक्सटर्नल सीवीपी मेजरमेंट के दौरान पेशेंट की पोजीशन 45 डिग्री एंगल। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये आपके चारों पोजीशन कंप्लीट हो गए। सिर्फ सा क्वेश्चन आता है कि पेशेंट को सीवीपी के अंदर कौन सी पोजीशन देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ कुछ आगे मेंशन होगा कि उसको कौन सा इन्वेसिव पूछा है या नॉन इन्वेसिव पूछा है, या ड्यूरिंग इंसर्शन, तो ड्यूरिंग इंसर्शन आप कौन सी करोगे ट्रेंडेलेन ब्रग्स, नॉन इन्वेसिव में 45 डिग्री। अंडरस्टैंड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, कंफर्म कैथेटर प्लेसमेंट, किससे पता करोगे कि कंफर्म कैथेटर प्लेसमेंट, जो सेंटर लाइन लगी हुई है वो प्रॉपर वेन के अंदर गई है, या कोई कैरोटिड आर्टरी के अंदर चली गई है, या लंग्स के अंदर चली गई है, कोई टिश्यू के अंदर चली गई है, तो कंफर्म कैथेटर प्लेसमेंट उसका आंसर लिख दीजिए। कंफर्म कैथेटर प्लेसमेंट, अंडरस्टैंड, मुझे आंसर सही है, होमवर्क कर लेना जो भी है। नेक्स्ट लिख जाओ, होमवर्क सही है मुझे उसके लिए। नेक्स्ट, लुमेन और पोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल लाइन के लुमेन जो पोर्ट होते हैं उस पोर्ट को, वेरी गुड बेटा, आंसर सही है पर्पुल गुदावत। बेटा एक्सरे गलत है, आपका एक्सरे गलत जाएगा, बेटा पूरा लिखो, कौन सा एक्सरे, कौन से हाथ पैर का, सर का एक्सरे,
पूरा लिखिए एक्सरे कौन सा, ठीक है। लुमेन और पोर्ट की बात कर दीजिए, मैं बात कर रहा हूं लुमेन और पोर्ट एक ही बात को बोलते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं उसको लुमेन बोल दूं या पोर्ट बोल दूं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वापस देख लीजिए, फर्स्ट वाला ये है सबसे लॉन्ग, थर्ड स्मॉल, सेकंड मीडियम। कलर कोड की बात करूं मैं आपको, मैं यहां बता दूंगा आपको, ठीक है, कलर कोड के अंदर। दूसरा, अब आप देखिए जो सेंटर लाइन होती है वो सिंगल लुमेन की होती है, डबल लुमेन की होती है, ट्रिपल लुमेन की होती है, फोर्थ लुमेन की होती है। मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो होती है अपनी थ्री लुमेन, मोस्ट कॉमन। अगर सिंगल लुमेन की सेंटर लाइन है तो उसको अपन बोलते हैं कॉर्डिस या इंट्रोड्यूस, इट इज आल्सो कॉल्ड सिंगल लुमेन सेंटर लाइन। सिंगल लुमेन सेंटर लाइन को कॉर्डिस या इंट्रोड्यूसर बोलते हैं, और नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर यह है कि कभी भी सिंगल लुमेन या सिंगल पोर्ट वाली लाइन को अपन को कभी भी बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई फ्लूड्स, कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू रनिंग होनी चाहिए। अगर कुछ भी रनिंग नहीं है तो फिर भी आप कम से कम 30 ml पर आवर के हिसाब से उसके अंदर आप NSC लगाते रहिए, ठीक है ना, वरना वो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी। कौन सी, कॉर्डिस या सिंगल लुमेन कैथेटर की। तो ये नर्सिंग की जिम्मेदारी होती है और उसकी लेंथ होती है 10 cm या 10 से कम होगी, नॉट मोर देन 10 cm, किसकी, कॉर्डिस या सिंगल लुमेन की। बहुत कम यूज होती है, मोस्ट कॉमनली थ्री लुमेन होती है। तो मैं थ्री लुमेन की बात करूं यहां पर, और ये फर्स्ट आपको सिंगल है ना, वो कॉमन टेम्परेरी यूज होती है, ठीक है। अपन बात करते हैं मेन जो अपना थ्री लुमेन की बात है, यहां पर देख लीजिए, हाँ ये थर्ड लुमेन। अब आप समझ लीजिए, यहां पर थोड़ा होमवर्क भी लिखते रहना अगर आपके पास पेन और ये रजिस्टर है तो। थ्री लुमेन के सबसे पहला फर्स्ट प्रॉक्सिमल, मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसका कलर कैसा दिख रहा है आपको, मैंने लिख दिया व्हाइट पोर्ट, सबसे लंबा होता है वो व्हाइट पोर्ट का होता है, लॉन्गेस्ट होता है, और ये क्लोजेस्ट टू द हब, मतलब इंसर्शन साइट के पास में होता है। अगर मैं यहां पर पिक में बात करूं तो एक की ओपनिंग यहां पर है, एक की ओपनिंग यहां पर है, और एक की ओपनिंग यहां पर है। एक की का मतलब यहां पर जो सबसे लंबा व्हाइट वाले की पोर्टिंग यहां पर है, एक नंबर, अल्ट्रासाउंड के लेता हूं, एक नंबर की ओपनिंग यहां पर है, दो नंबर की ओपनिंग यहां पर है, तीन नंबर की ओपनिंग यहां पर है, दिख रहा है यहां पर, यस। सबसे प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल का मतलब किसके, इंसर्शन साइड के सबसे पास वाला, ठीक है ना, वो लंबा होता है, वाइड पोर्ट होता है, और इंसर्शन साइड के सबसे पास होता है, यहां पर होता है। कहने का मतलब हर्ट से सबसे दूर होगा, ध्यान देना, हर्ट के तो डिस्टल में होगा, राइट एट्रियम के डिस्टल में होगा एक नंबर, लेकिन इंसर्शन साइड के सबके पास में होगा, उसका कलर होगा सफेद। और ये जो वाइड पोर्ट होता है वो आपके मेनली ब्लड सैंपलिंग के लिए काम में आता है, मोस्ट आपको ब्लड सैंपलिंग के लिए वाइड पोर्ट काम में लेना है, सबसे दूर वाला। पता कैसे करोगे, इस टाइप आपने ये वैन लिया तो ये तीनों उंगलियां, एक दो तीन, तो ये वाला सबसे लंबा आपका वाइड पोर्ट है, उसे आपको ब्लड लेना है ताकि वो हट के सबसे दूर है, तो उसके अंदर अगर आप आईवी फ्लूइड चल रहा है सेकेंड या थर्ड से, तो उसके अंदर वो मिक्स नहीं होगा, हिमोडाइल्यूशन नहीं होगा, रिजल्ट एक्यूरेट आता है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पोर्ट के अंदर, अंडरस्टैंड। उसके अलावा आप मेडिसिन या फूड दे सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर किसके लिए, ब्लड सैंपलिंग के लिए। सेकेंड वन मिडल पोर्ट, उसका कलर कोड ब्लू, ध्यान दीजिए, ठीक है ना, जो आपका 20 वाला पोर्ट है वो ब्लू कलर का होता है, और ब्लू कलर के अंदर अपन क्या क्या यूज करते हैं, ड्रग्स, जितनी भी मेडिसिन से है वो अपन ज्यादातर ब्लू से देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, TPN, फ्लूड्स, ये सब अपन प्रिपेयर करते हैं मिडल पोर्ट से। वापस रिपीट कर रहा हूं, मिडल पोर्ट ब्लू कलर का होता है, ओपनिंग भी मिडल में होती है, और उसकी साइज भी मिडल के अंदर होती है, और यूज करते हैं मेडिसिन के अंदर, TPN के अंदर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, और आईवी फ्लूड्स के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, वेरी गुड सर, हाँ लास्ट डिस्टल पोर्ट। डिस्टल पोर्ट की बात करूं मैं, ये वाला सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट बोल सकता हूं मैं उसको,
स्मॉल जो डिस्टल पोर्ट होता है लेकिन उसका डायमीटर वाइड होता है, ध्यान देना, सबसे बड़ा उसकी ओपनिंग यहां पर होगी 3 नंबर की, जो सबसे छोटा है उसकी ओपनिंग सबसे दूर होगी, मतलब हार्ट के सबसे पास में होगी, यहां पर सबसे छोटी साइज, ठीक है ना। और ये मोस्ट कॉमनली अपन यूज करते हैं जो भी कार्डियोटोनिक ड्रग्स होती है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए। बाकी उसे अपन मेडिसिन, आईवी फ्लूड सब दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कार्डियक ड्रग्स, अंडरस्टैंड। ये आपके तीनों पोर्टो के कलर, तीनों की साइज हो गई है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड। यहां पर ब्लू ड्रग्स के लिए बेटा राइट है, बिल्कुल ब्लू ड्रग्स स्मॉलेस्ट, यस स्मॉलेस्ट आपस, नहीं नहीं बेटा, हाँ स्मॉलेस्ट का मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं उसकी लंबाई के अंदर, सबसे छोटा रेड कलर का है, हाँ कलर मैं आपको बता दूं, यहां पर नहीं बेटा रेड नहीं होता, ये उसका कलर ब्राउन है, कलर उसका ब्राउन है, रेड नहीं है, पिक में तो दिख रहा होगा हल्का सा, कलर देख लीजिए, सबसे लंबा लॉन्गेस्ट पोर्ट जो व्हाइट होता है, मिडिल पोर्ट ब्लू होता है, और सबसे स्मॉलेस्ट पोर्ट जिसका डायमीटर सबसे वाइड होता है वो होता है आपका ब्राउन, ठीक है, नॉट रेड, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ो, मैं नेक्स्ट देख लीजिए, थोड़ा टॉपिक और बसा है, अभी पूरा ही कर देते हैं उसको भी। हाँ कलिसा असिस्मेंट प्रीवेंट क्लास बी, ठीक है ना, देख लीजिए, कलिस्मा एक असिस्मेंट होता है, जब सेंट्रल लाइन लगाने से पहले जो असिस्मेंट करते हैं, स्किन का असिस्मेंट, इंसर्शन साइट का असिस्मेंट, उसको अपन बोलते हैं कलिस्मा असिस्मेंट। सिंपल सा नाम है, जो मैं बोल रहा हूं वो इसका, सेंट्रल लाइन उसका सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट, सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असिस्मेंट, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम याद हो जाएगा, सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइट असिस्मेंट, उसको बोलते हैं कलिस्मा असिस्मेंट। ये कलिस्मा असिस्मेंट इसलिए करते हैं कि वहां पर कई प्रकार का अगर इरिथमा है, रेडनेस है, तो अपन वहां पर सेंट्रल लाइन नहीं लगाते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब कितना अरिथमा उसका, मैं छोटा सा एक मिनट और लगाऊंगा यहां पर, स्कोर की बात करूं तो उसका स्कोर होता है, अगर एक जीरो स्कोर का, अगर कोई भी नॉर्मल है, कोई अरिथमा नहीं है, नॉर्मल साइड, तो उसको मैं काउंट करता हूं 1 पे, कलिस्मा की बात कर रहा हूं मैं, अगर 1 नंबर किसको देंगे यहां पर, मिनिमम अरिथमा है मतलब रेडनेस, मतलब यहां पर लेस देन 3 mm से है, अगर 3 mm से कम रेडनेस, सॉरी रेडनेस है, इरिथमा है, तो उसको अपन 1 नंबर देंगे। दूसरा ये है, अगर 2 नंबर किसको देंगे यहां पर, एडवांस इरिथमा है, एडवांस का मतलब 3 to 6 mm, अगर इतनी रेडनेस है तो यहां पर एडवांस कलिस्मा स्कोर आएगा 2, और लास्ट होता है सबसे मैक्सिमम स्कोर 3-0, उसको बोलते हैं सीरियस, सीरियसनेस सीवियर, थर्ड नंबर होता है सीवियर इरिथमा, मोर देन सिक्स एम एम। तो यहां पर 0 और 1 के अंदर अपन सेंटर लाइन लगाते हैं, 2 और 3 के अंदर सेंटर लाइन नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, ये कलिस्मा स्कोर होता है। अब आप देख लीजिए कलिस्मा स्कोर प्रिवेंट, किसको प्रिवेंट करता है, ये कलाब्सी को, CLABSI मतलब इंफेक्शन, ठीक है ना, पूरा नाम है उसका सेंटर लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन, मैं नाम लिख देता हूं
समझ गए ना आप। अगर आपने प्रॉपर असेसमेंट किया है वैन की साइड का जहां से इंसर्ट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्कोर दो और तीन है तो आप नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे तो इन्फेक्शन कम होगा बेसिकली, और उसमें लगाओगे तो इन्फेक्शन कम होगा, इसमें लगाओगे तो ज्यादा होगा, तो ये एक प्रकार से इन्फेक्शन को कम करता है, ठीक है ना। देख लीजिए भी आप, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे आमद बनना एक बार कमेंट कर दीजिए यस या नो। हाँ बेटा एक मिनट रुक जाइए, ये अलका साकेन सही बात है, सीवीपी मॉनिटरिंग के लिए पोर्ट यूज करेंगे वो होता है सबसे नियर टू द हार्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पोर्ट, पोर्ट नंबर थर्ड, बिल्कुल राइट। आपने याद दिलाया, एक क्वेश्चन वापिस रिपीट करता हूं मैं आपको, सबसे स्मॉलेस्ट लंबाई की बात करूं या मैं डायमीटर की बात करूं, सबसे लार्ज डायमीटर ये वाला सीवीपी के लिए अपन ये यूज करेंगे, नंबर डिस्टल पोर्ट यूज फॉर सीवीपी मेजरमेंट, क्योंकि ये आर्टरियम के पास में होता है। ये राइट आर्टरियम के पास में होता है और आपको पता है कि राइट एट्रियम और नियर उसका वेना केवा का प्रेशर इक्वल होता है 3:2 mm, इसलिए अपन जो राइट आर्टरियम सबसे पास में ओपनिंग है, पास में किसकी होती है, थर्ड नंबर की, मतलब आपके ब्राउन कलर की जो भी डिस्टल होता है स्मॉल साइज का होता है उसे अपन यूज करेंगे सीवीपी के लिए। विकास, पहले नीडल से पंक्चर करते हैं फिर वेन को डायलेट किया जाता है उसके बाद गाइड वायर डाला जाता है उसके बाद वायर को थ्रू सेंटर, बिल्कुल सही है विकास होती है, बिल्कुल सही है। पहले नीडल, नीडल नहीं बोलेंगे उसको बेटा, उसको बोलते हैं स्टिलेट, इसलिए से पंक्चर करते हैं फिर वैन को डायलेट करते हैं, इससे डायलेटर से बिल्कुल सही है, उसके बाद गाइड वायर, बिल्कुल गाइड वायर डालेगा बेटा, गाइड वायर पहले आएगा, गाइड वायर पहले आएगा ठीक है ना, स्टिलेट के साथ में गाइड वायर डालते हैं और फिर गाइड वायर के बाद फिर उसको डायलेट करते हैं, बिल्कुल बाकी सही है। हाँ समझ आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। गोदावत, पोर्ट नंबर थ्री ब्राउन कलर, बिल्कुल राइट है दर्शक कुमार, ठीक है आगे समझा आपको सीवीपी के लिए। नेक्स्ट हम कहां पढ़ रहे थे, प्लिस्मा स्कोर टू प्रिवेंट ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शंस, यस। हाँ इस क्लास भी के फुल सेंटर लाइन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन, अगर आपने पहले असेसमेंट कर चुके हो, आपने सेंट्रल लाइन इंसर्शन साइड का असेसमेंट किया है और स्कोर आपका 0 या 1 आ रहा है तो आप इंसर्ट करोगे तो आपको सेंट्रल लाइन से जितने भी संबंधित ब्लड स्ट्रीम इंफेक्शन होंगे वो कम होंगे, अंडरस्टैंड ये लाइन को। नेक्स्ट में आगे बढ़ता आपको फ्लशिंग विद एनएस और रिपेयर, इस लाइन को देख लीजिए आप, इसमें मैं 2 मिनट लूंगा यहां पर। फ्लश किससे करेंगे, एनएस और हिपेरिन दोनों, अब दोनों में से बात किसको प्रायोरिटी देंगे, एम्स ऋषिकेश के अंदर क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, कोई भी कैथेटर डायलिसिस का सेंट्रल लाइन का हो, फेमोरल लाइन हो, आर्टरी लाइन हो, आपका आईवी कैनुला क्यों हो, सिंपल सा क्वेश्चन आए कि फ्लश किसे करेंगे, आपका पहली प्रायोरिटी रहेगा हिपेरिन, भी ध्यान नहीं है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी हिपेरिन। अब मैंने आपको दो ऑप्शन दिए कि हिपेरिन भी करते हैं और सर एनएस भी करते हैं, ठीक है। अब एनएस के लिए कब और हिपेरिन के लिए कब, और डायल्यूशन बता दो मैं आपको, जो हिपेरिन का डायल्यूशन है वो होता है 500 यूनिट पर 5 ml, अब आप 500 ml में निकाल लेना, 1 ml के अंदर आपको निकाल लेना मैथमेटिक्स से, डायल्यूशन होता है 500 यूनिट पर 5 ml के अंदर, और जो हिपेरिन अवेलेबल होता है वो अपना आता है लगभग 1 ml हिपेरिन होता है 500,000 यूनिट के बराबर अवेलेबल होता है, मार्केट वाइज अलग हो सकता है, एम्स की सप्लाई इतनी है वो है 5,00,000, 1, 2, 3, 4, 5 ये होता है,
एक एमएल हिपेरिन के अंदर, एक एमएल वॉल्यूम के अंदर 5 लाख इंटरनेशनल यूनिट हिपेरिन की डोज होती है, तो उसमें से अपन कितना लेते हैं 500 यूनिट पर 5 ml के अंदर लेते हैं। आप कैलकुलेशन करके निकालना 500 ml के अंदर कितना आएगा। अंडरस्टैंड, ये तो आगे हिपेरिन का आपका हो गया डायल्यूशन। अब मैं बात कर रहा हूँ एनएस और हिपेरिन कब कब यूज करेंगे। तो पहले बताएगा आपको, पहली प्रायोरिटी आपको हिपेरिन देना है, लेकिन एक कैथेटर आता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस हॉर्न, ये वाला कैथेटर। इस ग्रॉस हॉर्न के अंदर ओनली और ओनली अपन एनएस 0.9 सोडियम क्लोराइड उसे अपन फ्लश करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक वन वे वाल होता है। वन वे वाल ब्लड को जैसे आपने अंदर पुश किया या विड्रॉल किया है तो उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, वो वन वे वाल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। किसके अंदर? ग्रॉस हॉर्न कैथेटर के अंदर। अभी बताऊंगा ग्रॉस हॉर्न कैथेटर उसके बारे में, लेकिन ध्यान रखना एनएस किसके करेंगे। अगर आपको एग्जाम में मेंशन किया है ग्रॉस हॉर्न कैथेटर के लिए कौन सा फ्लूइड्स कौन सा सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे राहुल वर्मा 1 ml बराबर 5000 यूनिट। बेटा 5000 नहीं है राहुल वर्मा, 5 लाख है। 1 ml के अंदर 5 लाख यूनिट है। दूसरा आता होगा, ये भी आता है, सप्लाई के ऊपर है होता होगा, लेकिन एम्स के अंदर 5 लाख का भी है। जगदीश कुमार प्रसाद 1 ml बराबर 5000 यूनिट होता होगा। ये तो देखो अवेलेबिलिटी मार्केट की बात बता रहा हूं मैं, उसके में 1 ml के अंदर 5000 है या 1 ml के अंदर 5 लाख है, ठीक है ना। अब आपको ऑल ओवर मैंने बताया ना, यूनिट आपको कितनी होनी चाहिए, 5 ml के अंदर 500 यूनिट होनी चाहिए फाइनली। तो चलो मैं क्या बताता आपको, ग्रॉस हॉर्न के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनएस 0.9% लेना है। क्यों लेना है? कि उसके अंदर वन वे वाल होता है जिसके अंदर उसके ब्लड जमता ही नहीं है, क्लॉट रहता ही नहीं है, तो कहां से जमेगा, इसलिए उसको नो नीड टू हिपेरिन। बाकी सबके लिए अपन को क्या लेना है, हिपेरिन, ठीक है। और दूसरा फ्लशिंग का एक और क्वेश्चन, यहां पर फ्लशिंग के बारे में बता रहा हूं अभी कुछ में, एक दो लाइन लिख लेना आप यहां पर। After medicines, कोई भी मेडिसिन देने के बाद जो फ्लश करते हैं वो अपन को करना है 10 ml, ठीक है ना, एनएस या उसके अंदर आपका हिपेरिन भी हो सकता है। वॉल्यूम की बात करो, आपका वॉल्यूम रहेगा मेडिसिन देने के बाद आपको 10 ml से उसको फ्लश करना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ब्लड सैंपल लिया है तो ब्लड सैंपल के बाद, आफ्टर ब्लड सैंपल, अब आपको यहां पर 20 ml, फर्क समझ रहे हो, ब्लड विड्रॉवल किया है सैंपल लिया है तो उसके बाद आपको 20 ml, आपने सैंपल को मेडिसिन दी है टीपीएम दिया है तो आपको कितना लगेगा 10 ml के लिए। अंडरस्टैंड, या तो कोई डाउट? बिल्कुल। पर्पुल 25,000, बेटा ये मार्केट के ऊपर अलग अलग है सब, ठीक है, 25,000, 5,000, 5 लाख। तो ये आपका हो गया फ्लूस के लिए कितना, मेडिसिन के बाद 10 ml, ब्लड के बाद 20 ml। दूसरा ध्यान रखना कि अपन जो ब्लड सैंपल लेते हैं उस सैंपल लेने से पहले जो ब्लड विड्रॉवल करते हैं ब्लड विड्रॉवल आपका 5 ml, 5 ml आपको ब्लड निकालना है, उसके बाद ही सैंपल के लिए जो वायल होती है उस वायल में ब्लड भरना है और वायल वापस निकालने के बाद आपको वापस से ब्लड इंसर्ट करना होता है और फिर 20 ml से इन्फ्यूज करना होता है, वापस फ्लश करना होता है, समझ गए ना। तो ये 5 ml का मतलब है सैंपल लेने से पहले 5 ml जो लाइन के अंदर ब्लड पड़ा है उसको रिमूव करना है, उसके बाद ही आपको सैंपल लेना है, ठीक है। फ्लशिंग के बाद एक क्वेश्चन और आता है, कभी भी फ्लश को अपन कर तो लेस देन 10 ml से नहीं करना है, सिरिंज भी कम से कम आपको 10 ml की यूज करनी है। 10 ml से नीचे कोई भी, अगर आपका 10 ml से कम की और उसे फ्लश किया तो कैथेटर डैमेज होने का चांस है, क्योंकि कम ml की सिरिंज से मतलब 2 ml 5 ml की सिरिंज से प्रेशर ज्यादा पड़ता है कंपेयर टू 10 ml, इसलिए आपको 10 ml से लोअर की सिरिंज नहीं लेना है, कम से कम 10 ml की, ठीक है। दो डेल्स में, हाँ बेटा प्रपुल सही है, मतलब 5000 भी आता है 5 लाख भी आता है, ठीक है ना, मार्केट में अलग है। ये आपका फ्लशिंग का हो गया। अब यहां पर एक लाइन में और बता दो आपको, सेंटर लाइन की जो ड्रेसिंग के बारे में समझ लीजिए, उसके ड्रेसिंग के बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं नर्सेज के लिए ना, इंपॉर्टेंट है ड्रेसिंग ये।
सेंटर लाइन की ड्रेसिंग की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, ये किसने वाला लिख दीजिए यहां पर सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग, जो सेंट्रल लाइन की ड्रेसिंग होती है वो ड्रेसिंग आपको ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मैं यहां पर लिख दूंगा कैसी होनी चाहिए आपको, ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखना चाहिए कि इस ड्रेसिंग के नीचे कोई ब्लड या कोई रेडनेस किसी प्रकार का कुछ है या नहीं है, कोई क्लॉट, अंडरस्टैंड, तो आपको कौन सी, ट्रांसपेरेंट। दूसरा, उसके बाद जब उसको रिमूव कर रहे हो, ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव, तो अपन को जो ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव करते हैं वो अपन को इंसर्शन साइड की तरफ से करना है, रिमूव फ्रॉम इंसर्शन साइड। इंसर्शन साइड का मतलब ये होता है कि साइड से आपने इंसर्ट किया है, जैसे कि सपोज ये, तो मैं ड्रेसिंग को इस साइड से ऐसे हटाऊंगा, ना कि इस साइड से ऐसे, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि इंफेक्शन कम होगा यहाँ पर, ठीक है। सुशी की होती है, निकलेगी नहीं, तो आपको यहां से लेकर के इधर से उखेड़नी है और इस साइड लाना है, पेरिफेरल की तरफ लानी है, ठीक है ना। यहां से उखड़ के इस साइड नहीं जाना है, उसको बोलते हैं अपन रिमूव फ्रॉम द इंसर्शन साइड, अंडरस्टैंड। ओल्ड ड्रेसिंग जब रिमूव करते हैं, दूसरा उसके बाद जो क्लीन करते हैं, जब अपन ड्रेसिंग चेंज करते हैं तो क्लीन के लिए होता है, तो उससे क्लीन में करेंगे क्लोरहेक्सिडिन 5%। यहां पर बिटाडिन का यूज नहीं करते हैं, प्राइवेट जाएंगे अपन क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरहेक्सिडिन 5% से साइड को क्लीन करना है, उसके बाद ही न्यू ड्रेसिंग अपन को अप्लाई करनी है, ठीक है ना। पर ये भी है कि जो क्लीन करने की टेक्निक होती है वो अपन सर्कुलर टू पेरिफेरल या पेरिफेरल टू सर्कुलर, मतलब राउंड मैनर में नहीं करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां पर सर्कुलर टू पेरिफेरल या पेरिफेरल टू सर्कुलर ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहां पर उसकी जो ड्रेसिंग होती है उसको अपन बोलते हैं इस क्लीन करने की जो टेक्निक को, एंड फोर्थ टेक्निक, उस टेक्निक का नाम है बैक एंड फोर्थ, FORTH, बैक एंड फोर्थ क्लीन टेक्निक, ध्यान देना यहाँ पर पेरिफेरल टू सर्कुलर नहीं करना है, या आपको ऐसे भी नहीं स्ट्रोक सीधे ऐसे करो डायरेक्ट, ऐसे नहीं। और इसका ध्यान दीजिए कि बैक एंड फोर्थ क्लीन टेक्निक होती क्या है, बैक एंड क्लीन का मतलब होता है जैसे पेंडुलम झूला जिसको बोलते हैं, झूला क्या होता है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है, उसका कई बार वो अपनी लाइन से ऐसे भी चला जाए, ठीक है ना, मतलब आगे पीछे और साइड में जाए, उसको कंडीशन को बोलते हैं। तो हमको ऐसे करने सिर्फ इस टाइप ड्रेसिंग क्लीन लेकर के, फोरसेप लेकर के, ये वाली आगे पीछे ऊपर से, ये वाली सिर्फ क्या कहलाएगी, फोर्थ बैक एंड फोर्थ क्लीन टेक्निक, अंडरस्टैंड। सिंगल टू पेरिफेरल नहीं करेंगे, मैप लाइन ड्रेसिंग करते हैं जी। हाँ बेटा, मैप लाइन उसके लिए सॉल्यूशन आता है वो लगा होता है, बिल्कुल सही बात है, दो सॉल्यूशन में आता है, बिल्कुल सही है, फेमोरल से भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्टाइल ड्रेसिंग इनसे बैक कर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, इस टाइप को क्लीन करना है क्लोरहेक्सिडिन 5%, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग रिमूव करते समय ये इंसर्शन साइड से रिमूव करना है, नेक्स्ट क्लीन करना है क्लोरहेक्सिडिन 5% से, बिटाडिन का यूज नहीं करना है, नेक्स्ट जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं फोर्थ एंड क्लीन टेक्निक, मतलब एक झूले की तरह आपको ऐसे साफ करना होता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया इतना कुछ, चलो नेक्स्ट। अब अपन मैं बात करता हूँ टाइप्स की, टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन, टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन। टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन देखिए, टाइप्स ऑफ सेंट्रल लाइन में के अंदर ये तीन चार टाइप्स की हो सकती है सेंट्रल लाइन। सबसे नॉन टनल्ड सेंट्रल लाइन, दूसरा आता है टनल, दोनों में आप फर्क समझ लीजिए, नॉन टनल और टनल के अंदर। मैं हल्की सी पिक से दिखा दो आपको पता पड़ जाएगा, नॉन टनल और टनल के अंदर
ठीक, थोड़ी जूम हो रही है, ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी यहाँ पर, देख लीजिए ये आपके दो सामने पिक है, एक टनल्ड की है एक टनल्ड की, दोनों एक साथ रखी है मैंने। हाँ ठीक है, ये हार्ट का है लाइन, ये इंटरनल जुगुलर लाइन है, ये सब क्लेवियन है, अब यहां से आप देख सकते हैं मैं दूसरी लाइन से कर रहा हूं उसको, ये जो यहां से डायरेक्ट आपने ये सेंटर लाइन आ रही है इस टाइप की, सेंटर लाइन को डायरेक्ट पंक्चर किया क्यूटेनियस से, तो मैं कह सकता हूं कि जो टनल्ड होती है, सॉरी नॉन टनल्ड, नॉन टनल्ड डायरेक्ट क्यूटेनियस पंक्चर, डायरेक्ट क्यूटेनियस पंक्चर ओवर द वेन, सीधा वेन के ऊपर ही यहां से डायरेक्ट इंसर्ट कर देना, क्या कहलाएगी आपकी नॉन टनल सेंट्रल लाइन, नॉन टनल सेंट्रल कैथेटर, ठीक है ना। दूसरा मैं टनल्ड की बात, टनल्ड का मतलब होता है पहले इंसर्ट करते हैं स्किन के अंदर, इसके बाद फिर क्यूटेनियस के अंदर, उसके बाद वेन के अंदर। अब आप देखिए इस पिक्चर, उसको इंसर्ट यहां से किया है, यहां से इंसर्ट करने के बाद फिर ये यहां से स्किन के अंदर यहां, और फिर ये वेन के अंदर आया है, दोनों के अंदर आप डिफरेंट देख लीजिए, पिक दिख रही है यहां पर, नॉन टनल्ड डायरेक्ट स्किन को पंक्चर करके सीधा वेन के अंदर, टनल्ड के अंदर यहां से पंक्चर करते हैं स्किन के अंदर ले जाते हुए फिर वेन के अंदर ले जाएंगे ताकि इंफेक्शन कम हो, डायरेक्ट वेन के अंदर इंफेक्शन ले जाए, इसलिए अपना टनल्ड यूज करते हैं। वापिस देख लीजिए डिफरेंट, नॉन टनल्ड डायरेक्ट पंक्चर करेंगे वेन को टिश्यू के ऊपर से, टनल के अंदर एक टनल बनाएंगे, टनल का मतलब गुफा होती है ये प्रकार की, ठीक है ना, गुफा बनाएंगे स्किन के अंदर, पहले स्किन फिर टिश्यू फिर वेन को लाना, वो कहलाती है आपकी टनल्ड सेंट्रल कैथेटर। आगे डिफरेंस सुनने, पिक दिख रही है आपको, ये नॉन टनल्ड की है, ये टनल्ड है, उसकी गुफा बनाई है यहां से फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब आप ऑफिशियल टाइप देख लीजिए उसके कौन से थे, टनल और नॉन टनल के अंदर, आप देख लीजिए अब, सॉरी फर्स्ट वन नॉन टनल, नॉन टनल का मतलब समझ गया ना, डायरेक्ट टिश्यू के अंदर। दूसरी बात को मैं टनल के अंदर, टनल के अंदर कुछ एग्जांपल होते हैं, हिकमैन है, ब्रोविक है, ग्रोसोंग है, लियोनार्डे। ग्रोसोंग की स्पेशल खासियत क्या होती है, फ्लश विद ओनली एनएस, यहां पर हिपेरिन का यूज नहीं करेंगे ग्रोसोंग के लिए, ठीक है ना। और जो बाकी ब्रोविक होता है वो मोस्ट कॉमनली बच्चों में यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज इन चिल्ड्रन ब्रोविक, ये सभी ऐसे होते हैं कि उसको टनल बना करके, गुफा बना करके स्किन टिश्यू फिर वेन के अंदर ले जाते हैं, नाम दिया गया है उसका टनल्ड कैथेटर। नेक्स्ट होती है एक पिक लाइन, थर्ड वन, पिक लाइन की फुल फॉर्म होती है पिक्फेरल इंसर्टेड सेंट्रल लाइन, सॉरी सेंट्रल कैथेटर, यह लाइन एक ही बात है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। पेरिफेरल का मतलब यहां पर ब्रेक के लिए हो सकती है, आपकी बेसिलिक हो सकती है, सिपेलिक हो सकती है, फिमरल हो सकती है, कोई भी हाथ या पैर की वेन से कैथेटर को इंसर्ट करना, और उस कैथेटर को इतना इंसर्ट करते हैं कि उसका टिप राइट एट्रियम के नजदीक सुपीरियर वेना कैवा में आकर के रुक जाए, उसको हम बोलेंगे पिक लाइन। तो उसकी लंबाई ज्यादा होती है, लंबाई होती है उसकी लगभग 40 to 65 सेंटीमीटर, पिक लाइन की लेंथ 40 से 65 सेंटीमीटर की लंबाई होती है पिक लाइन की, कोई भी लाइन से जाए, फेमोरल यूज कर लो या फिर उसके लिए, ठीक है ना, वहां पर अपने यूज करेंगे पिक लाइन, अंडरस्टैंड। और है किसके अंदर, ये सेंट्रल लाइन, क्योंकि टिप कहां आ रहा है, सुपीरियर वेना के अंदर। लास्ट होता है इम्प्लांटेबल वेस्कुलर एक्सेस पोर्ट, ये एक सर्जन के द्वारा सर्जरी करके पेशेंट की स्किन के अंदर हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म या परमानेंट स्किन के नीचे फिक्स ही कर देते हैं उसको, ठीक है ना।
लॉन्ग टर्म के लिए उसको, ठीक है ना। और उसको हम बोलेंगे इम्प्लांट करते हैं, नाम दिया गया इम्प्लांटेबल। और इम्प्लांटेबल कैसा होता है मैं आपको पिक में दिखाऊं, वहां पे उसका उसका टिप भी ध्यान रखना भाई, सुप्रिया बना के वह केंद्र आएगा। ये पिक दिख रही होगी आपको, ये यहां पर एक पोर्ट लगा गया है, इतना सा इम्प्लांट किया है स्किन के नीचे, और यहां से उसका एक जो कैथेटर होता है उसको वैन के अंदर डाला गया है, स्किन फिर स्किन के फिर वैन के अंदर आया, और वो टिप राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट उसके सुप्रे वेना केवा के नजदीक रखा गया है, ठीक है ना। ये भी मैं बोलूंगा एक प्रकार का टनल्ड कैथेटर है, इम्प्लांटेबल वैस्कुलर भी टनल्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर कोई यहां पर आपको लुमेन नहीं दिखेगा, डायरेक्ट एक पोर्ट है, उस पोर्ट के अंदर दवाई देंगे तो सीधी उसके अंदर जाएगी। जिसकी कीमोथेरेपी चलती है, लॉन्ग टर्म दवाई चलती है, उनके लिए अपना यूज करते हैं पोर्ट, ये वैस्कुलर इम्प्लांटेबल वैस्कुलर पोर्ट डिवाइस। अगर आप पेशेंट की स्किन देखोगे तो आपको सिर्फ ऐसे फील होगा, वहां पर आपको कोई ट्यूब नहीं दिखेगी, सिर्फ एक हल्का सा राइट साइड की तरफ कुछ पोर्ट होगा, उसके अंदर दवाई जाते हैं, उसको बोलेंगे पोर्ट डिवाइस। अंडरस्टैंड। ये लगभग लगभग अपना आज का जो सेंट्रल लाइन का टॉपिक था वो लगभग कंप्लीट हो गया। और भी आपको कोई डाउट है तो आप लाइव सेट के अलावा जो अपना कमेंट बॉक्स हो गए वहां पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग उसका कोई भी क्वेश्चन, उसके अलावा अपना इंट्रोडक्शन से संबंधित, उसके अलावा अपना जो हिस्ट्री पढ़ी है उसके, मतलब लगभग आप दो या तीन टॉपिक आज कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है ना। और डेफिनेट ये गारंटी है आज का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और इससे बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है। कर लोगे इतना? कैसे लगी क्लास जल्दी से बता दिए, यस या नो, जल्दी से, क्लास ओवर हो चुकी है। यस, पोर्ट स्पेशली फॉर कीमो ड्रग्स, बिल्कुल कीमो के लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे वो कीमो होते हैं दूसरी दवाई भी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। सुरेश चौधरी, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, बेटा ये सेंट्रल लाइन नहीं है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर अलग है, फोटो 12 में ऐसी सही है तेरा आंसर।